नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में आज होनी है। बैठक में यूपी नतीजों पर चर्चा के साथ आगे की राह भी तय की जाएगी। कार्य समिति की इस बैठक के हंगामेदार रहने की भी संभावना है। कार्य समिति की बैठक में आमतौर पर 300 के करीब नेता शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या 3000 से अधिक भी हो सकती है। रविवार सुबह 11 बजे यानी कि आज सुबह 11 बजे होने वाली राज्य कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। लोहिया सभागार में होने वाली ये बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी। पंजाबी बाग स्थित बर्गर किंग रेस्टोरेंट में कुछ समय पहले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मर्डर केस में कथित तौर पर शामिल रहे 3 शूटर्स का हरियाणा पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने एक संयुक्त अभियान में एनकाउंटर कर दिया। सोनीपत में तीनों बदमाशों को मार गिराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान आशीष उर्फ लालू सन्नी खरार और विक्की रिधाना के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि तीनों शूटर गैंगस्टर हिमांशु भाव गिरोह के सदस्य थे। पुलिस ने भले ही 3 बदमाश को मारने का दावा किया है, हालांकि बर्गर किंग रेस्टोरेंट में मारे गए शख्स के साथ मौजूद रही मिस्ट्री गर्ल का कुछ पता नहीं चल सका। ऐसा बताया जा रहा है कि वो युवती हमलावरों की मददगार थी। रेस्टोरेंट में हुई अंधाधुंद फायरिंग के बाद से ही वो फरार बताई जा रही है। बर्गर किंग रेस्टोरेंट हत्याकांड में पुलिस ने 3 शूटर्स को मार गिराया है, लेकिन अभी भी मिस्ट्री गर्ल की तलाश जारी है। आपको बता दें, पंजाबी बाग स्थित बर्गर किंग रेस्टोरेंट में कुछ समय पहले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मर्डर केस में कथित तौर पर शामिल रहे 3 शूटर्स का हरियाणा पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान में एनकाउंटर कर दिया है। सोनीपत में तीनों बदमाशों को मार गिराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान आशीष उर्फ लालू सन्नी खरार और विक्की रिधाना के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि तीनों शूटर्स गैंगस्टर हिमांशु भाव गिरोह के सदस्य थे। पुलिस ने भले ही 3 बदमाशों को मारने का दावा किया है, लेकिन बर्गर किंग रेस्टोरेंट में मारे गए शख्स के साथ मौजूद रहे मिस्ट्री गर्ल का कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो युवती हमलावरों की मददगार थी। रेस्टोरेंट में हुई अंधाधुंध फायरिंग के बाद से ही वो फरार बताई जा रही है। बर्गर किंग रेस्टोरेंट हत्याकांड में पुलिस ने 3 शूटर्स को मार गिराया है। 3 शूटर्स ढेर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मिस्ट्री गर्ल का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। अभी भी वो फरार चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक मिस्ट्री गर्ल का कुछ पता नहीं चला है। बर्गर किंग रेस्टोरेंट हत्याकांड का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 3 शूटर्स को मार गिराया है, आगे की क्या कुछ अपडेट है? देखिए सपना जी, से बात की जाए हरियाणा और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम का जो ये संयुक्त ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में 3 लोगों को एनकाउंटर में ढेर जरूर किया गया, लेकिन अगर मिस्ट्री गर्ल की बात की जाए तो वो अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी से दूर है। क्योंकि अगर इस हत्याकांड के पीछे की वजह की अगर बात की जाए तो साल 2020 में जिस तरीके से जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसमें साफ तौर से यह कहा गया था कि पंजाबी जो ढाबा रेस्टोरेंट है वहां पर का जो युवक था जिसकी गोली मारकर हत्या की गई, उसने जो है पूरी मुखबरी की थी और उस मुखबरी को लेकर के ही जो शूटर था उसकी हत्या की गई थी। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस तरह से तीनों शूटरों ने जो प्लान बनाया था उसमें यह कहा था कि लोगों के बीच में इस हत्याकांड को अंजाम देना है जिससे कि पूरी दहशत बनी रहे, और उसी तरीके की हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और रेस्टोरेंट में जो 40 से 50 राउंड जो फायरिंग की गई थी उस दौरान लोग अपनी जानों को बचाते हुए भागते नजर आए थे। फिलहाल इस हत्याकांड के पीछे जिस तरीके से जो टीमें लगी हुई थी वो टीम पूरी मामले की जांच कर रही थी, और जांच के दौरान ही जो संयुक्त ऑपरेशन रहा है दिल्ली क्राइम ब्रांच का और इसके साथ ही हरियाणा पुलिस
का जो ऑपरेशन रहा, उस ऑपरेशन में 3 बदमाशों को ढेर किया गया। लेकिन अगर मिस्ट्री गर्ल की बात की जाए तो वो फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी से दूर है और उसकी तलाश के लिए भी कई टीमें लगाई गई हैं। सपना जी, जी कलीम, ये शूटर्स जिनका मर्डर हुआ है, सॉरी, ये शूटर्स जिनका पुलिस ने, कलीम, ये शूटर्स किस गैंग के गिरोह थे? तरीके से जिन शूटरों का एनकाउंटर किया गया है, वो एनकाउंटर के पीछे वजह यही है क्योंकि जब दोनों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान ही तीनों शूटर जो है वो ढेर किए गए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनकी तलाश हो रही थी, तलाशों की टीम में कई टीमें लगी थी, क्योंकि साल 2020 में इस हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था और उसी हत्याकांड को बदला लेने के लिए जो पंजाबी रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट में इस तरीके से शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया था और इसी के पीछे ये पूरी जो साजिश है और ये जो रचना है ये रची गई थी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो वारदात को अंजाम दिया गया तब से ये लोग फरार जा रहे थे। लेकिन फरारी के बाद से अब जब मुखबरी मिली थी क्राइम ब्रांच के आधार पर और हरियाणा पुलिस फिलहाल इनकी तलाश करते हुए दिल्ली तक पहुंची थी और इसी के बाद ये पूरा जो है शूटआउट हुआ। शूटआउट में जो मुठभेड़ के दौरान ये जो एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, फिलहाल अभी इस मामले में जो खुलासे की अगर बात की जाए, खुलासे की कड़ियों की बात की जाए, जो मिस्ट्री गर्ल है वो जब कस्टडी में आएगी तब इस मामले का कई और पर्दे खुल पाएंगे और जो घटनाओं का खुलासे हैं वो भी कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। सपना जी, मिस्ट्री गर्ल लापता है कलीम, अभी तक उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से मिस्ट्री गर्ल की तलाश की बात की जाए, कई टीमों को लगाया गया है और टीमें लगातार उसकी जो है लोकेशन ट्रेस कर रही है। लेकिन अगर सर्विलांस की टीम की बात की जाए तो सर्विलांस भी लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि जो मोबाइल की लोकेशनों की अगर बात की जाए तो वो लोकेशन लगातार कई जगहों पर बदल रही है, क्योंकि पुलिस टीम कई जगहों पर दबिश भी दे चुकी है। लेकिन बदमाशों तक पहुंच गई, लेकिन जो मिस्ट्री गर्ल थी उस मिस्ट्री गर्ल तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। या यूं कहा जाए, जिस तरीके से जो उनके मुखबिर तंत्र थे वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं, जिस वजह से वो जो मिस्ट्री गर्ल है वो पुलिस कस्टडी से फरार होने में पूरी तरीके से कामयाब होती नजर आ रही है। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अमरोहा से है, जहां प्रशासन का फिर एक बार बुलडोजर